नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और एक कांजी सीखेंगे और जानेंगे कि क्यों एक्टर रजत कपूर जापान गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्टर रजत कपूर को जैसे आप सभी जानते हैं कि 90 के दशक में धारावाहिक ब्योमकेश बख्शी में उन्होंने बहुत ही सुंदर अभिनय किया और जो अभी तक हमारे दिलों में बसी हुई है। और उनको आपने कई फिल्मों, थिएटर में और सीरियलों में देखा होगा। तो उसी सिलसिले में वो अभी जापान आए हुए हैं क्योंकि उनका एक प्ले अभी जापान में हो रहा है। और ये जो प्ले हो रहा है, ये द फर्स्ट इंडियन थिएटर फेस्टिवल है जो कि जापान में हो रहा है और इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं द कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ओसाका कोबे। तो पहले हम देखते हैं इस थिएटर से रिलेटेड कांजी को और उसके बाद रजत कपूर ने अंत में क्या कहा प्ले खत्म होने के बाद। And a big, big thank you to the Indian High Commission, Indian Consulate, Mr. Nikhilesh Stan. तो ये थे रजत कपूर कौंसल जनरल निखिलेश जी को अपना धन्यवाद प्रकट करते हुए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।